तो दोस्तों आज हम बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। MTAR टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और हमको स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेड सेशन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.87% की यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2060 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2234, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2359, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2500 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2700, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2800 और 3000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो ऐसे गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1951 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1881 है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1795 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।